उम्मीदवार सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मटेरियल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट में आगे हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। बेसिकली हार्डनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू विदस्टैंड सरफेस इंडेंटेशन और स्क्रैचिंग, और अगर जनरल उसमें बोलें तो लोकलाइज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी का हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। तो आज हम लोगों को रॉकवेल, ब्रिंडल और विकर और नोब टेस्ट के बारे में देखना है कि ये क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट जो टेस्टिंग मशीन है वो कुछ इस तरह की होती है। ये एक तरीके का डायरेक्ट टेस्टिंग होती है। इसका डायरेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आपको इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, द मशीन इज गोइंग टू गिव द आंसर। ठीक है, तो इसमें मेन कंपोनेंट है डायल फेस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेनिट्रेटर, इसको हम कई बार इंडेंटर भी बोलते हैं, और इस पे जो एनविल है इस पे स्पेसमैन आप रखते हैं इस तरह से, इस चीज़ के आपका हार्डनेस नापना, और ये व्हील के थ्रू जब आप रोटेट करेंगे तो यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ दिस एनविल। ओके, सो आफ्टर पुटिंग द स्पेसमैन हियर You are going to penetrate the indenter on the surface, and by using that you are going to test the specimen. Okay, so these are the important components of this testing machine, and this is the machine which you are used for Rockwell hardness test. आपको सारी almost सारी machine कुछ इसी shape में मिलेंगी जो Rockwell hardness test है, उसमें dial phase भी होता है। इसके अलावा ज़्यादातर मशीन में आपको ये डायल फेस नहीं मिलेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट ब्रिंडल हार्डनेस टेस्ट और उन सब में, सो बट द बेसिक स्ट्रक्चर और आप यू कैन से द शेप ऑफ द मशीन इज सिमिलर इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। ओके, तो हमारे पास इंडेंटेटर जो हमारे पास ये जो इंडेंट करने के लिए जो है इंडेंटेटर, वो हमारे पास दो तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज योर डायमंड कोन इंडेंटेटर एंड सेकंड वन इज योर हार्डेंड स्टील बॉल। तो हमारे पास दो तरह के इंडेंटेटर हैं, एक डायमंड कोन इंडेंटेटर है, ठीक है, कुछ इस शेप का होगा वो, और एक दूसरे होता है आपके पास हार्डेंड स्टील बॉल। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में हमारे पास दो तरह के इंडेंटेटर होते हैं। जो शेप होगा इसका, जो पिन का जो शेप होगा, दैट इज समथिंग लाइक ए डायमंड कोन और ए हार्डेंड स्टील बॉल। ओके, तो सर्कुलर होगा या तो कोनिकल शेप में होगा। एंड सो और टाइप्स ऑफ रॉकवेल टेस्टिंग की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रॉकवेल टेस्टिंग। फर्स्ट वन योर रॉकवेल टेस्टिंग एंड सेकेंड वन योर रॉकवेल सुपरफिशियल टेस्टिंग। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉकवेल टेस्टिंग ओनली, बट depending upon the type of component you are going or material you are going to test, you can go for Rockwell testing or Rockwell superficial testing. So basic difference between these two are ki for Rockwell testing the minor load is for 10 kg and major loads are for 60, 100 and 150. Okay, and for Rockwell superficial testing the minor load is 3 kg and major loads are 15, 30 and 45 kg. अब ये minor load क्या है, major load क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो basically जो indentator का shape है वो हमारे पास दो तरीके का है, diamond और ball shape में। And rockwell testing है उसको हम दो उसमें classify कर सकते हैं। First one is rockwell testing and second one is rockwell superficial testing. Okay? तो अगर इसके शेप की इसको अगर हम दो उसमें क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये कुछ ये जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके का है। तो रॉकवेल जो नॉर्मल रॉकवेल टेस्टिंग है उसमें जो इसके इंडेंटेटर का शेप है और उसका जो मेजर लोड है उसके अकॉर्डिंग हम जो है स्केल को इतने टाइप्स में ए बी सी डी ई एफ जी एच नॉट आई नॉट जे डायरेक्टली के इतने तरह से हम लोग जो है रॉकवेल हार्डनेस स्केल में बांट सकते हैं। ओके, सो अगर मैं सपोज करिए मैं बात कर रहा हूँ बी स्केल की। ओके, तो बी स्केल में मैं अगर हार्डनेस टेस्टिंग कर रहा हूँ तो उसका जो इंडेंटेटर का जो शेप होगा, जो आगे की टिप है
दैट इज बॉल विच जिसका डायमीटर होगा 1/16 इंच एंड हम जब इसमें दो तरह के लोड लगाएंगे, दिस इज रॉक बेल, सो माइनर लोड तो 10 kg का होगा और मेजर लोड विल बी ऑफ 100 kg. ओके, तो जो लोड हम इंडेंटेशन के लिए लगाने वाले हैं दैट इज ऑफ 100 kg. इन केस ऑफ इफ यू आर टेलिंग दैट इट इज ए रॉक वेल हार्डनेस स्केल ऑफ बी. ओके, इफ अगर मैं इसी की जगह बोलूं कि मैं एच स्केल का यूज करने जा रहा हूं रॉक वेल हार्डनेस टेस्ट में, सो यू आर टेलिंग दैट द मेजर लोड इज ऑफ 60 kg एंड द शेप ऑफ द बॉल इज ऑफ सर्कुलर शेप, स्पेरिकल शेप एंड डायमीटर इज ऑफ 1/8 इंच. ओके, इसको डिनोट करने का भी तरीका है. जैसे अगर मैं किसी सपोज करें किसी स्केल पे मेरे पास बी स्केल पे मेरे पास 80 इसकी रीडिंग आई, इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली आपको आंसर देता है हार्ड रॉकवेल 80 रीडिंग आई, सो यू विल टेल दैट इट इज 80. H इज फॉर हार्डनेस एंड रॉकवेल को डिनोट करने का तरीका आर बी. ओके, तो ये जो B है दैट इज शोइंग यू द B स्केल एंड रॉकवेल के लिए यू आर टेलिंग दैट इट इज R. ओके, सो 80 HRB इज शोइंग, इसमें 80 जो है आपकी जो वैल्यू आई है वो है H इज योर हार्डनेस एंड R इज योर रॉकवेल एंड B इज शोइंग दैट इट इज ए B स्केल. ओके, ऐसे ही अगर मैं K स्केल की बात करूं और उसमें कोई वैल्यू 90 है सपोज करिए, तो दैट विल बी नेट 90 HRK. ओके, और समटाइम वी राइट HB और सॉरी RB और RK डायरेक्टली एंड द वैल्यू 80 RB और 80 RK, दिस टाइप ऑफ थिंग यू राइट. ओके, सेकेंड सुपरफिशियल को अगर मेरे को डिनोट करना है देन सपोज करिए 60. ऐसे इसमें जो है हमारे पास एक तो जो मेजर लोड्स होते हैं, देखिए आपकी रेंज बहुत कम है मेजर लोड्स में, 15 तो 45 ही है, इसमें देखिए 60 टू 150 की रेंज के बीच में. ओके, सो इट इज समवॉट सोफिस्टिकेटेड वन और इसमें सपोज करिए 15N वाली जो स्केल है उसमें जो है डायमंड शेप का इंडेंटेटर होगा और उसमें मेजर लोड इज ऑफ 15 kg. ओके, दिस इज नॉट न्यूटन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दिस इज नॉट न्यूटन, ये न्यूटन नहीं है, इट इज केजी ओनली. ओके, ये केजी में ही रखी जाती है वैल्यू सारी, इसका मतलब किलोग्राम फोर्स में जो हम जो लोड भी लेंगे वो दैट इज ऑफ किलोग्राम फोर्स. तो 60 HR 30W इंडिकेटेड सुपरफिशियल हार्डनेस ऑफ 60. ठीक है, 60 हार्डनेस उस स्केल की हार्डनेस है ऑन 30W स्केल. ठीक, 30W स्केल का क्या मतलब है, जो शेप ऑफ इंडेंटेटर इज ऑफ सर्कुलर स्पेरिकल शेप एंड द मेजर लोड इज ऑफ 30 kg. तो आप इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं. अब ये चीज तो समझ में आई कि हमारे पास दो तरीके हैं रॉकवेल एंड रॉकवेल सुपरफिशियल रॉकवेल एंड फॉर रॉकवेल टेस्टिंग द माइनर लोड इज ऑफ 10 kg एंड फॉर सुपरफिशियल दैट इज 3 kg एंड मेजर लोड डिपेंड्स इट 60, 100 and 150 एंड फॉर रॉकवेल सुपरफिशियल इट इज 15 to 45. अब ये बात आती है कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, तो उससे पहले एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं हम लोग, फिर मैं समझाता हूँ कि माइनर लोड और मेजर लोड का क्या मतलब है. तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक माइनर लोड लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस चीज की यूज कर रहे हैं हम लोग. अगर रॉकवेल टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं तो देन यू विल अप्लाई ए माइनर लोड ऑफ 10 kg एंड इफ यू आर गोइंग फॉर रॉकवेल सुपरफिशियल टेस्टिंग देन यू विल गो फॉर विथ 3 kg ओनली. ओके, एंड इसके बाद सबसे पहले माइनर लोड लगाया 10 kg और 3 kg का द डायल. ये इसके बाद हमने जो डायल है हमारे पास, ये इसको हम लोग जीरो पे सेट कर देते हैं. ठीक है, ये इसको जीरो पे सेट कर देते हैं ताकि जब हमने एक बार माइनर लोड लग गया है उसके बाद हम इसको जीरो पे सेट कर लेते हैं. इसका मतलब जो मेजर लोड है इट इज फॉर द कैलकुलेशन ओनली. ओके,
इसके बाद हमने जीरोस पे सेट कर दिया और उसके बाद मेजर लोड लगाया, जो मेजर लोड की वैल्यू 60 to 150 फॉर रॉकवेल टेस्टिंग एंड 15 to 45 फॉर रॉकवेल सुपरफिशियल टेस्टिंग। इसको 4 से 5 सेकंड के लिए हमने उस जगह पे रोक के रखा, और उसके बाद जो हमारे पास जो मेजर लोड लगाया है, जो हमने मेजर लोड लगाया उसको रिलीज कर दिया। अभी भी माइनर लोड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमें एक मशीन जो है इट इज गोइंग टू गिव सम वैल्यू 60 50, जो भी जो हार्डनेस होगी वो वैल्यू देगी। आजकल जो ये उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, उससे उसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि इस स्केल पे, ठीक है, इस बी स्केल पे मेरी हार्डनेस इतनी आई, ठीक। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है हार्डनेस हमारी कितनी है। अब ये बात आती है कि माइनर लोड लगाने की वजह क्या है। माइनर लोड हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक। एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है माइनर लोड लगाने से। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है माइनर लोड और मेजर लोड का मतलब समझा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, जिसकी मुझे हार्डनेस टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं उसमें एक माइनर लोड लगाता हूँ, माइनर लोड। इससे क्या होगा कि ये जो इंडेंटेटर है इट इज गोइंग टू पेनेट्रेट ऑन दिस सरफेस, जो सम सरफेस में थोड़ा सा जो है इस जगह पे इतनी हाइट पे ये इंडेंट कर चुका है। इससे क्या होगा कि जो सरफेस पे जो सरफेस पे जो जिस सपोज करिए कुछ डस्ट है और ये ऑयल है उसकी वजह से हार्डनेस जो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मच, ओके। तो हमने क्या करा, एक माइनर लोड लगाया डिपेंडिंग अपॉन इट इज रॉकवेल टेस्टिंग और रॉकवेल सुपरफिशियल टेस्टिंग, इट इज ऑफ 10 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले माइनर लोड लगाया, तो ये इंडेंटेटर जो है थोड़ा सा सरफेस के अंदर इस तरह से पेनेट्रेट कर गया। इसके बाद क्या, हमने माइनर लोड और मेजर लोड दोनों लगाए हैं, ठीक। तो इसकी वजह से ये जो है इस तरह से, इसके बाद हमने क्या माइनर लोड लगाया, इसके बाद डायल इंडिकेटर को जीरो पे रखा है। इसके बाद हमने मेजर लोड लगाया जो माइनर लोड के साथ में एक्स्ट्रा है, मेजर लोड लगाया। इसके बाद हमने मेजर लोड हटा लिया, तो ये कुछ इस तरह से जो है पीछे जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा पेनेट्रेट होगा। इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा पीछे जाएगा जब आप यू आर गोइंग टू रिमूव द मेजर लोड। तो माइनर लोड की वजह से ही सिर्फ जो है इस तरह से है इस पे। इसके बाद जो रीडिंग आएगी उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे और वो हमारी हार्डनेस दिखा रही है उस स्केल पे। तो दिस इज द बेसिक प्रोसीजर एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द हार्डनेस इन केस ऑफ रॉकवेल टेस्ट, ओके। द इंडिकेटर और जो जिससे पेनेट्रेट करते हैं दैट इज आउट ऑफ टू शेप्स, फर्स्ट वन इज डायमंड शेप एंड सेकेंड वन इज हार्ड एंड स्टील बॉल, मतलब स्टील स्पेरिकल स्टील बॉल शेप। दिस एक अगेन आई एम टेलिंग दैट दिस इज डायरेक्ट वन। डायरेक्ट से मेरा मतलब ये है कि आप यू आर गोइंग टू गेट द रीडिंग डायरेक्टली, यू डू नॉट नीड टू डू एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द हार्डनेस ऑफ दिस। दैट्स वाई इट इज वेरी सिंपल, आपको ज़्यादा स्किल की इसमें जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड है रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। उसका रीजन सबसे ज़्यादा है कि ये सिंपल है, मतलब सिंपल टू परफॉर्म है और हाईली स्किल्ड ऑपरेशन ऑपरेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं। इसमें बहुत तरीके के लोड्स और इंडेंटेटर हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ लोड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेटर एंड डायमंड इंडेंटेटर एंड इवन इन केस ऑफ स्पेरिकल बॉल देयर आर मैनी डायमीटर्स 1/16 एंड 1/8 इंचेस। सो यू हैव रेंज ऑफ स्केल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ दिस रॉकवेल हार्डनेस। एंड ये जो है बहुत कम टाइम लेता है, 10 सेकंड के अंदर ये जो है पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है हार्डनेस टेस्टिंग का। और ये जो है डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा आपको हार्डनेस टेस्ट की। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ब्रिनेल हार्डनेस और उस दूसरे हार्डनेस में बात करूँ तो यू नीड सम टाइम यू नीड टू डू कैलकुलेशन। अब मशीन्स जो है इस तरह से आ रही है कि दे आर गोइंग टू डू योर डायरेक्टली कैलकुलेशन, बट द बेसिक प्रिंसिपल इज नॉट दैट यू नीड टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द हार्डनेस वैल्यूज अकॉर्डिंगली, ओके, इन इन केस ऑफ ब्रिनेल एंड नूप एंड वीकर टेस्ट।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट को समझते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल दोनों का सेम है। अब देखिए, सिमिलर टू योर रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, जितनी ज़्यादा ये इंडेंट होगा, ठीक है, ये जितना ज़्यादा इंडेंट अंदर हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द लोड, इट इज शोइंग दैट द मटेरियल इज सॉफ्ट। जितना ज़्यादा ये जो है पेनेट्रेट कर जाएगा इसके अंदर, मटेरियल के अंदर, इट इज शोइंग दैट द मटेरियल सॉफ्ट है। जो जिस चीज़ का आप हार्डनेस टेस्टिंग कर रहे हैं वो मटेरियल सॉफ्ट है। ओके, सिमिलर चीज है ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट में भी। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक 10 mm डायमीटर का, इसमें सिर्फ एक तरह की बॉल का यूज करते हैं, दैट इज ऑफ 10 mm डायमीटर, ठीक है। लोड में वेरी, यहाँ पे जो है प्रोसीजर समझाने के लिए मैं 300 kg लिया, बट लोड में वेरी फ्रॉम 500 to 3000 kg, ठीक है। इन दिस ऑल्सो यू आर गोइंग विद kg, ओके। यू आर, इफ यू वॉन्ट टू पुट द वैल्यूज देन यू विल गो फॉर KGF। एंड ये जो है इनडायरेक्ट है, इसका मतलब ये कि इसमें आपको कैलकुलेशन अपने आप ही करनी होगी। अब जो मॉडर्न मशीन है वो कैलकुलेट करके दे देती है ब्रेन हार्डनेस टेस्ट में, बट आपको ये पता होना चाहिए कैलकुलेशन कौन कैसे होती है। बहुत ही सिंपल रहते हैं, होती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरह से इंडेंटेटर होगा, इंडेंटेटर का जो टिप होगा, और कुछ इसी तरह की मशीन होती है ये भी, इसमें इंडेंटेटर का जो टिप है दैट इज ऑफ स्पेरिकल शेप, उसको हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं, लोड लगाते हैं उसके ऊपर, तो उसकी वजह से ये जो है इस तरह से सरफेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। आफ्टर रिमूविंग दिस यू आर गोइंग टू सी द सी दैट फॉर द गिवन लोड, हमने गिवन लोड के लिए कुछ शेप आएगा, ये जो है इस तरह से पेनिट्रेट करा होगा, और उसका कुछ डायमीटर होगा, ओरिजिनल डायमीटर से कम होगा ऑफकोर्स, क्योंकि जब ओरिजिनल डायमीटर कब होगा, ये जो जो सर्कुलर शेप की, जो स्पेरिकल शेप की, जो आपके पास इंडेंटेटर है, दैट इज गोइंग टू पेनिट्रेट, ओके। तब जो ये डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन, जो सरफेस पे इंडेंटेशन है, दैट इज आवर डायमीटर टी। बट जब जो है इससे कम किसी भी जगह पे ये इंडेंटेशन कम हुआ होगा, देन इट इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ दिस, ओके। तो इस तरह से इंडेंटेशन आया है, इसका जो है हम डायमीटर नापेंगे बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये जो शेप आपका बना है, इसका डायमीटर हम लोगों को नाप, इस तरह से अगर मैं टॉप व्यू देखूं इसका, तो इसका जो डायमीटर है दैट यू आर गोइंग टू मेजर बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप एंड स्केल। और इसके बाद हम लोग इसके अकॉर्डिंगली, जो जितना ज़्यादा ये डायमीटर होगा इसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगाते हैं कि इस इन फॉर द गिवन स्केल व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, सो सिमिलर टू योर प्रीवियस, आपको अगर कोई चीज़ इसमें ब्रिटल हार्डनेस टेस्ट में डिनोट करनी है, देन यू विल राइट समथिंग 60 hb, ठीक है। तो हार्डनेस इन ब्रिटल स्केल इट इज शोइंग ऑफ 60, ठीक है। ब्रिटल स्केल में हार्डनेस है 60 की, उसमें एक ही तरह के बॉल का यूज कर सकता है, वो है 10 mm डायमीटर की बॉल, और लोड में वेरी फ्रॉम 500 kg to 3000 kg, और इसमें आप जो है थोड़ी थोड़ी देर तक इस तरह से आप जो है फोर्स लगाते हैं, और लगभग 30 15 से 30 सेकेंड, और यू कैन से 5 to 30 सेकेंड यू आर गोइंग टू वेट फॉर, इसको ऐसी इस तरह से फोर्स लगा के रखे रहते हैं। उसके बाद इस बॉल को जो इंडेंटेटर उसको हटाएंगे, उसका शेप के डायमीटर चेक करेंगे बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप और स्केल। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये डी जब हमें पता लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करके पता लगा लेंगे कि ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट में हमारे जो मटेरियल है उसकी हार्डनेस कितनी है। तो बेसिक फॉर्मूला जो है ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट का वो कुछ इस तरह से है। अगर एच बी है तो इंडेंटेशन जो आपके पास जो सरफेस के अंदर आया है उसका डायमीटर अगर डी है, ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द इंडेंटेटर, जो इंडेंटेटर है उसका जो पेनिट्रेट जो बॉल है उसकी जो डायमीटर है वो डी है, सो एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स पी, और पी हम किस में लगा रहे हैं, हम यू आर गोइंग टू अप्लाई पी इन केजी, और इसको बोलते हैं किलोग्राम फोर्स में हम जब लगा रहे हैं, इट इज नॉट न्यूटन, न्यूटन में नहीं, ये किलोग्राम फोर्स में। देन द वैल्यू ऑफ हार्डनेस यू ब्रेन हार्डनेस कैन बी गिवन बाई 2 pi डिवाइडेड बाई पाई डी, पाई डी एंड ब्रैकेट में डी माइनस अंडर रूट डी डी स्क्वायर, दिस विल बी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ओके। जिसमें जो है आपका डी इज योर
कैपिटल डी इज योर बॉल डायमीटर एंड डी इज इंप्रेशन डायमीटर, जो आपका पास जो शेप आया है उसका जो डायमीटर होगा दैट इज डी एफ, और हेयर यू के हमारे केस में, और पी जिसको हम डिनोट करें, इट इज शोइंग द अप्लाइड लोड एंड बी एच वी दैट इज योर ब्रिनर हार्डेस्ट नंबर यू आर गोइंग टू गेट. सो बेसिकली अगर हम इसको इस तरह से देखें तो इसका डेरिवेशन आप भी देख सकते हैं, दैट इज जो एच बी है, जो ब्रिनर हार्डनेस्ट नंबर है, दैट इज योर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ इंडेंटेशन से आप पता कर सकते हैं. एरिया जो हमारा इंडेंटेशन हुआ है उसका एरिया से हम पता कर सकते हैं कि हमारे एच बी का फॉर्मूला जो ये इस तरह से निकला है, इसको अगर हम देखें तो इस तरह से है. ये जो है डेरिवेशन अगर देखें इसका, तो एरिया ऑफ इंडेंटेशन क्या होगा, दैट विल बी ये जो इंडेंटेटर है वो इस तरह से इंडेंट करेगा इसके अंदर, और ये जब हटाएंगे तो दैट एरिया विल बी ऑफ पाई डी एच. ओके, डी एंड एच इज योर हाइट, ये जो डेप्थ से हाइट है वो दैट इज एच, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द बॉल एंड पाई इज द पाई. सो द एरिया ऑफ इंडेंटेशन इज पाई डी एच, एंड if you find the and put the values that hv is your force which is p, if you are applying force p and divided by pi dh, so you can find the values of hv. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और उसमें देखें तो पाई डी एच इज योर एरिया ऑफ इंडेंटेशन एंड वॉट इज एच, जिस अगर इसको हम थोड़ा सा बॉल को जो इसको शेप है उसको इस तरह से देखें तो ये जो है आपका इंडेंटेशन का एरिया है, ये एरिया ऑफ द इंडेंटेशन, तो ये सरफेस एरिया जो आएगा इसके अंदर पे दैट इज पाई डी एच. हाँ, सो ये जो है इस तरह से एच यू विल सी दैट एच हम जो डिनोट कर रहे हैं, जो इसके अंदर पेनिट्रेशन हुआ है उसकी हाइट को हम लोग एच से डिनोट करेंगे. ओके, तो ये शेप में जो हाइट है उसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं इस तरह से. अगर इसमें देखें तो दिस हाइट इज योर एच. ओके, सो एच को अगर हम इस तरह से देखें और ये ये इंडेंटेटर के है, स्पेरिकल बॉल है, दैट दैट विल बी ये डी बाई ये फुल ये जो है डायमीटर, ये दिस इज योर डायमीटर बॉल ऑफ डायमीटर ऑफ द बॉल स्पेरिकल बॉल, एंड इफ सेंटर से लें तो ये दिस विल बी डी बाई टू. ओके, दिस विल बी डी बाई टू, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट द एक्स वैल्यू सम एक्स वैल्यू फ्रॉम दिस you will find h will be d by 2 minus x. okay, so similar thing is written here, h equal to d by 2 minus x, and is wale this in this triangle in this o a and b, if you see in this right angle triangle you will find that by using Pythagoras theorem the ob square will be OA square plus this AB square. Okay, so OB square will be this will be this will be the equal to diameter of the half of the diameter or radius of the ball, then this will be d by 2 square equal to this height OA will be x square plus AB will be this indentation diameter. Okay, d by 2, this d small d is showing your indentation diameter, the diameter of this indentation. So you can find that this is the relation you will get from by using Pythagoras theorem in this right angle triangle, or you can go with this right angle triangle, same baat hai. और यहाँ पे हमने d बाई टू क्यों लिया, बिकॉज d बाई टू ये जो डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन है दैट इज शोइंग d बाई यूजिंग दिस विल बी दिस इज द डायमीटर ऑफ इंडेंटेशन एंड d बाई टू इज द रेडियस ऑफ इंडेंटेशन. ओके, सो आफ्टर रीअरेंजिंग थिंग x वैल्यू विल बी दिस वन,
एक्स इज टू वन बाई टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. एंड एज वी नो दैट एच इज इक्वल टू डी बाई टू माइनस एक्स एंड इफ यू पुट दिस वैल्यू हियर यू विल फाइंड दैट एच इज इक्वल टू डी बाई टू माइनस वन बाई टू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ओके एंड इफ यू पुट एच वैल्यू हियर पाई डी एच वैल्यू तो पाई इंटू डी बाई टू माइनस इफ यू टेक कॉमन टू कॉमन देन दिस विल बिकम पाई डी इंटू टू कॉमन विल बी टू दिस डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. ओके दिस इज योर एरिया ऑफ इंडेंटेशन और यू कैन सी सरफेस एरिया ऑफ दिस सर्कुलर शेप. आफ्टर पुटिंग इट दैट बी एच नंबर विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज दिस वन एरिया पाई डी इंटू डी माइनस डी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर and this 2 will be go upside so you will find this will become area and BHN number is loaded by area so then this will 2 will go upside and BHN you will find that this is the formula which we written here this there will be square not d. okay so these are the formula how you can तो हम लोग क्या इसमें क्या करते हैं बेसिकली इसमें हम लोग ये जो P है जो फोर्स की वैल्यू है उसको रख देते हैं आफ्टर यू जो हमने अप्लाई करी होती है दैट विल बी इन kgf किलोग्राम फोर्स में हम इसको वैल्यू रखेंगे. D इज हमें पता होता है पहले से डायमीटर ऑफ द बॉल एंड स्मॉल d हम लोग जो है माइक्रोस्कोप से देख के पता लगाते हैं. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इस बॉल इंडेंटेटर को हटाने के बाद माइक्रोस्कोप इसका फ्रंट ऊपर टॉप व्यू देखते हैं और उससे हमें पता चल जाता है इंडेंटेशन का जो डायमीटर है दैट इज तो उसको हम लोग इसमें वी आर पुटिंग हेयर और इन केस ऑफ स्मॉल d और फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू फाइंड द ब्रेनहार्डेस्ट नंबर. तो हम लोग इस तरह से बोलेंगे कि किसी मटेरियल की जो ब्रिनल हार्डनेस है उसको ले हम लोग 60 या 70 जो दैट जो भी हमारे पास आया वैल्यू दैट इज बी एच एन नंबर और इसको कई बार बी एच ब्रिनल हार्डनेस इस तरह से लिखते हैं बी एच एन इज योर फॉर नंबर. ओके इस तरह से इसमें खाली एक ही तरीके बॉल यूज होता है और इसमें लोड जो है वेरी करते हैं इनकेस ऑफ ब्रिनल हार्डनेस. सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट इज ऑफ नूप और विकर. बेसिकली दोनों में ही हम लोग पिरामिडिकल शेप का अगर मैं इस ब्रिनल को खत्म कर दे अगर नूप और विकर में देखें तो बेसिकली जो इंडेंटेटर होता है दोनों में ही पिरामिडिकल शेप का होता है. पिरामिडिकल शेप का मेरा मतलब यह है कि इस तरह से होगा ये इंडेंटेटर का शेप है यहाँ पे दिखा रखा and if you draw it like this this is forming some type of pyramid. okay to is tarah se rahega ye indentation. both noop aur vikar mein isi tarah se hota hai ye isko hum log kai bar micro hardness tests bhi bolte hain. iska reason ye hai ki isme jo load hum log you are going to apply it is very less to hum log 1 to 1000 ग्राम यानी अप्रॉक्स 1 kg 1 ग्राम से 1 kg तक का ही जो है लोड अप्लाई करते हैं जबकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमने 3000 kgs 500 kgs और इस वाले में जो है 15 kg और अप टू 150 kg आर गोइंग टू अप्लाई इन केस ऑफ रॉकवेल एंड इन केस ऑफ ब्रिनल ऑल्सो यू आर गोइंग फ्रॉम 500 to 3000 kg. सो द रेंज इज वेरी लार्ज इन केस ऑफ रॉकवेल एंड ब्रिनल और रेंज के साथ में इसके जो लोड है दैट इज ऑल्सो लार्ज बट इन केस ऑफ नूप एंड वीकर यू विल फाइंड दैट द लोड इज नॉट मच लार्ज दैट्स वाई वी आर टेलिंग दैट दिस इज माइक्रो हार्डनेस टेस्ट. ओके द शेप इज समवट पिरामिडिकल. इफ यू सी जो है सेम प्रोसीजर होता है ब्रिनल की तरह हम लोग क्या करते हैं पहले लोड लगाते हैं उस मतलब उसमें इंडेंटेटर के ऊपर और उसके बाद थोड़ी देर उसको
थोड़ा टाइम देते हैं, 10 से 30 सेकंड के करीब, और उसके बाद इस इंडेंटेटर को हटाते हैं। उसका शेप कुछ इस तरह से बनेगा, उसके जो है साइड्स को देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस वो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है आपके पास विकर और नोब के केस में, दैट यू आर गोइंग टू पुट। तो पी यू नो ऑलरेडी दैट इज योर लोड अप्लाइड, एंड फॉर एच विकर टेस्ट यू विल राइट हार्डनेस एच एंड वी, एंड फॉर नोब टेस्ट यू विल राइट एच एंड के, के इज साइलेंट हियर, दैट्स वाई यू आर टेलिंग नो। फॉर्मूला 1.854 पी डिवाइडेड बाई डी आई डी डी वन स्क्वायर, दिस डी डी इज योर दिस डिस्टेंस इन केस ऑफ दिस डिस्टेंस दिस इज योर डी। अब दो बात ये आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है नूप एंड विकर में। सो नूप इज बोथ आर पिरामिडल शेप, पिरामिड टाइप के बनाते हैं, बट द बेस ऑफ द पिरामिड इन केस ऑफ विकर इज स्क्वायर एंड इन केस ऑफ नूप इट इज नॉट स्क्वायर। ओके, सो इफ यू सी द इंडेंटेशन, दिस इज फॉर विकर, यू विल फाइंड दैट द दिस विल दीज शुड बी ऑफ सेम साइज। आइडियली ये जो है दोनों D1 और D2, अगर मैं बात करूँ, द साइड्स विल बी ऑफ सेम, D1 शुड बी इक्वल टू D2, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, बट दिस इज द बेस ऑफ द पिरामिड इन केस ऑफ विकर टेस्ट इज ऑफ स्क्वायर एंड इन केस ऑफ नूप इट नॉट स्क्वायर। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नूप एंड विकर, दैट्स वाई यू आर टेलिंग दैट दिस इज विकर हार्डनेस टेस्ट एंड दैट वन इज नूप हार्डनेस टेस्ट। इसमें इस तरह से यहाँ पे दिखाया भी है, तो ये D1 और D2 ये वैसे स्क्वायर होना चाहिए, तो दैट इज आइडियली, तो ये जो डायगोनल के अगर बात करूँ, अगर आपके पास ये है, तो ये इसके जो डायगोनल्स हैं इन केस ऑफ विकर, दैट शुड बी दिस डायमीटर शुड बी D1 एंड इस ये वाला डायमीटर भी जो है D1 होना चाहिए आइडियली। जो शेप है इसको हम लोग इस तरह से माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दैट शेप शुड बी स्क्वायर वन, बट समटाइम दिस मे नॉट बी लिटिल डिफरेंट, सो यू कैन टेक दैट एवरेज D1 + D2। ओके, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू D1, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो बिकॉज जो पिरामिड का शेप है वो पहले से स्क्वायर है, तो हमारे पास विकर टेस्ट के लिए द फॉर्मूला इज दिस वन, पी डिवाइडेड बाई D1 स्क्वायर, ठीक है, D1 जो भी आपका डायगोनल का लेंथ है दैट इज योर D1। इन केस ऑफ नूप टेस्ट व्हाट यू डू, वी टेक द बिकॉज द बेस इज नॉट स्क्वायर वन, सो व्हाट यू डू, वी टेक द लार्जर लेंथ, जो भी हमारे पास जो बेस है पिरामिड का, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर बेस है, इन दिस केस जो भी हमारे पास जो लार्ज एंड डिस्टेंस होगी, देन दैट यू आर गोइंग टू पुट हेयर। ओके, दैट इज एच के विल बी 14.2 P/I². ओके, एंड पी इज योर लोड अप्लाइड एंड आई और एल यू वॉट यू से आई विल बी और लार्जर, जो भी लार्जर होगा हमारा दैट इज योर आई। तो इस तरह से हम लोग विकर्स और नूप के केस में हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा इस तरह से हमने ये देखा कि हम लोग कि रॉकवेल में और ब्रिंडल में, इसके साथ ही नूप और विकर में किस तरह से हम लोग टेस्टिंग प्रोसीजर अपनाते हैं। सम वीडियोस विच आर वेरी यूज आई फाइंड वेरी यूजफुल आर दीज विच आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, प्लीज गो एंड वॉच दीज वीडियोज विच आर यू विल फाइंड वेरी हेल्पफुल आई थिंक। इसके अलावा अगर हार्डनेस कन्वर्जन की बात करें, मतलब एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते, तो इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, बट आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा, ये कुछ इस तरह से स्केल आती है, ये जो है आपके इस स्केल में आपने देखा, ये है मटेरियल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, और
मोर्स टेस्ट में हमने ये फाइंड करा है कि ये जो हार्डनेस है इन मटेरियल्स की इस रेंज में आ रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं मोर टेस्ट में हम लोग स्क्रैचिंग के थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं कि जो है हमारे पास जो हार्डनेस है वो मटेरियल किस रेंज में है। इसके अलावा अगर नूब टेस्ट में ये सेम चीज़ों की जो करस्पॉन्डिंग है वो ये इस रेंज में आ रही है, और ब्रेन हार्डनेस टेस्ट में हमारे पास इतना वेरिएशन है, देख रहे काफ़ी वेरिएशन है। इसके अलावा हमारे पे जो रॉकवेल हार्डनेस ऑफ बी स्केल एंड सी स्केल दैट इज दिस वन, तो डायरेक्टली कोई कन्वर्जन नहीं है क्योंकि कायदे से बोले तो हार्डनेस की कोई वेल डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है ऐसा कि आप जो है डायरेक्टली फॉर्मूला लगाए ब्रिनेल को और नूप में और नूप को रॉकवेल में और रॉकवेल को मोर्स में कन्वर्ट कर सकें। सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम वेर समवॉट यू विल फाइंड समवॉट हेल्पफुल फॉर द सेम। इसके अलावा एक चीज़ है कोरिलेशन बिटवीन योर हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। क्योंकि हमें ये पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों ही रेजिस्टेंस को शो करते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, तो देयर इज सम रफ रिलेशन बिटवीन दिस हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस विच इज प्रोपोर्शनल टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ेगी वैसे वैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी मटेरियल के। ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो है हर मटेरियल ही जो है आप लोग नहीं कह सकते कि इस तरह से ही होती है, बट ये देखा गया कि काफ़ी ये अच्छा रिलेशन है। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रास कास्ट आयरन और स्टील के केस के लिए हमने बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ और ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट के बीच में रिलेशन है। तो जैसे जैसे ब्रेन हार्डनेस टेस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है मटेरियल्स की, इन केस ऑफ ब्रास स्टील एंड कास्ट आयरन। इफ यू फॉर मोस्ट स्टील इफ यू से दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर आपको फाइंड करना है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.45 ऑफ वैल्यू ऑफ एच बी। एच बी इज योर ब्रेनल हार्डनेस, सॉरी एच दिस 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 शुड बी एच आर बी। सो देर इज सम डायरेक्ट टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन योर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस नंबर एंड दैट इज डायरेक्टली ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, ओके। तो जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ेगी वैसे वैसे हमने देखा ब्रेनल हार्डनेस जैसे जैसे बढ़ रही है ये एच बी इज योर ब्रेनल हार्डनेस नंबर दैट इज योर डायरेक्ट रिलेशन, ओके। सो जैसे ये जो जैसे जैसे इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता है, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं तब जाके हमें ये पता चला है। तो ये जो फॉर्मूला है वो खाली स्टील के लिए ही वैलिड है, ठीक। तो आई थिंक टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर, दीज आर द सम ऑफ द रेफरेंसेज विच आई यूज टू मेक दिस प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू।